Assalamu alaikum guys, welcome to your next video on advanced android development. और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पिछले वीडियो के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. लास्ट दो वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से अपनी डिवाइस की जो स्क्रीन है वो हम मेजर करते हैं. और जब हमारे पास डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डिवाइस स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो उसके बाद हम इस चीज़ का बड़ी इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि हमने किस तरीके से मैक्सिमम यूज़ करना है अपनी डिवाइस की स्क्रीन का. यानी कि अगर हमारे डिवाइस की स्क्रीन की जो विड्थ है अगर वो थोड़ी है तो हम इस तरीके से एक एक्टिविटी शो करवाएंगे और एक ही फ्रैगमेंट शो करवाएंगे. लेकिन अगर हमारी डिवाइस की जो स्क्रीन की विड्थ है वो ज़्यादा है तो हम इस तरीके से दो फ्रैगमेंट साइड बाई साइड शो करवाएंगे. तो इस चीज़ को भी कंटिन्यू करते हैं. ये मेरे पास लास्ट वीडियो वाला ये प्रोजेक्ट है, बिल्कुल वही है. मैंने उसके बाद बिल्कुल इसको कुछ चेंज नहीं किया. तो थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ. लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो मेन एक्टिविटी है तो इसका ये जो लेआउट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो लेआउट यूज़ कर रही है. इसकी ये पहला लेआउट है इसकी, हमने डुप्लीकेट कापी क्रिएट की थी. तो ये जो डुप्लीकेटेड कापी है ये हमने एक स्पेशल डायरेक्टरी के अंदर रखी थी. ये डुप्लीकेटेड कापी सिर्फ उसी वक्त यूज़ होगी जब हमारी डिवाइस स्क्रीन की विड्थ जो है वो 620 dpi होगी या इससे ज़्यादा होगी. तो इन दोनों लेआउट्स में फ़र्क क्या है? अगर जो मेरा मेन लेआउट है उसमें तो मैंने सिंपल एक ही फ्रैगमेंट यूज़ किया हुआ है, लेकिन जो मेरे पास दूसरा डुप्लीकेटेड लेआउट है उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा जो है वो फ्रेम लेआउट भी लगाया हुआ है. उसको मैंने आईडी दी हुई है डिटेल फ्रैगमेंट कंटेनर. तो अगर तो मेरा ये वाला लेआउट यूज़ होगा खुद बहुत ही जो है एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के ऊपर रिसोर्स सेलेक्टर की मदद से सिलेक्ट कर लेगा. इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बात की थी. तो अगर मेरा ये वाला लेआउट यूज़ होगा तो उस सूरत में मैं इस फ्रैगमेंट के ऊपर जो है इसके साथ ही दूसरा फ्रैगमेंट यहाँ पे शो करवा दूंगा. लेकिन अगर मेरा ये वाला लेआउट यूज़ होगा तो फिर मैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जो है वो नेक्स्ट फ्रैगमेंट शो करवाऊंगा. तो अभी हमने करना क्या है, हमने बेसिकली तीन चार मेन स्टेप करने हैं. सबसे पहले तुम्हारा जो मेन फ्रैगमेंट है इसके ऊपर हमें कोई ऐसा बटन या कोई फ्लोटिंग एक्शन बार टाइप चीज़ लगानी है कि जिसके क्लिक के ऊपर हम नेक्स्ट फ्रैगमेंट जनरेट करेंगे या फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे, यानी कि एक्टिविटी लॉन्च करेंगे या फ्रैगमेंट जो है उसको ऐड करेंगे. एक चीज़ हमने ये करनी है. दूसरे नंबर पर हमें सबसे पहले तो एक फ्रैगमेंट चाहिए जिस फ्रैगमेंट को हम यहाँ पे शो करवाएंगे, और हमें दूसरे नंबर पे एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी चाहिए. इन केस अगर मेरा ये वाला लेआउट यूज़ नहीं होता तो वो वाला फ्रैगमेंट जो यहाँ पे मैंने शो करवाना था वही फ्रैगमेंट मैं नेक्स्ट एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर जो है वो शो करवाऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्रिएट कर लूँगा. एम्प्टी एक्टिविटी होगी ये मेरी, और इसको मैं गाइस नाम दे दूँगा डिटेल एक्टिविटी, और इसको फिनिश करते हैं. ये मेरी एक्टिविटी जो है वो क्रिएट हो चुकी है. इसके साथ ही मैं बेसिकली एक न्यू फ्रैगमेंट भी क्रिएट कर लूँगा, और इसको मैं नाम दे दूँगा डिटेल फ्रैगमेंट, और इसके लिए मैंने फैक्ट्री मेथड्स और कॉल बैक मैथड जो है वो जनरेट नहीं किया. ये मेरे पास मेरा डिटेल फ्रैगमेंट भी आ गया. इस डिटेल फ्रैगमेंट के लेआउट के ऊपर जाते हैं, तो मैं चेंज कर दूंगा फ्रैगमेंट, और इसका जो टेक्स्ट साइज है इसको भी इंक्रीज कर देता हूँ मैं 24 SP. तो ये मैंने करना अब क्या है, ये जो मेरा फ्रैगमेंट है ये फ्रैगमेंट बेसिकली यूज़ होगा एज अ लेआउट फॉर माई डिटेल एक्टिविटी एक चीज़, और यही फ्रैगमेंट मैं शो करवाऊंगा अगर मैंने दो फ्रैगमेंट को साइड बाई साइड यहाँ पे शो करवाना है. तो अभी सबसे पहले फिर हम ये करेंगे कि यहाँ पे ये जो मेरा तो जो मेरा मेन फ्रैगमेंट है इसके ऊपर हम एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाएंगे, और फ्लोटिंग एक्शन बार के क्लिक के ऊपर जो है वो हम नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे या नेक्स्ट फ्रैगमेंट को ऐड करवाएंगे. तो मैं मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर जाऊंगा. अब एक चीज़ है कि ये वाला जो मेरा मेन फ्रैगमेंट है इसमें दोनों सूरतों में ऐड होना ही होना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाऊँ मेन, तो यहाँ पर मैं फ्रैगमेंट मेन के ऊपर अगर जाऊँ, ये जो मेरा फ्रैगमेंट है लेआउट है, ये लेआउट अगर मैं एक फ्रैगमेंट मेरा शो हो या मेरे दोनों फ्रैगमेंट साइड बाई साइड शो हो तो मेरा ये वाला जो फ्रैगमेंट है ये हर सूरत ऐड होगा. तो मैं इस फ्रैगमेंट के ऊपर जो है वो अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन बार लगा लूँगा, और उसके क्लिक के ऊपर हम नेक्स्ट एक्टिविटी या नेक्स्ट फ्रैगमेंट के ऊपर चले जाएंगे. तो उसके लिए फिर सबसे पहले मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा फ्रेम लेआउट को कोऑर्डिनेटर लेआउट में. ये चीज़ होगी नेक्स्ट. फिर मैंने यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाऊंगा और उसकी भी सैफ कॉन्टेंट हो जाएगी. उसके बाद मैंने इसको मार्जिन देना है, इसको मार्जिन में दे दूंगा डायमेंशन के अंदर फैम मार्जिन हमारे पास फेडिंग वैल्यू पड़ी हुई है. ये चीज़ होगी हमारे पास. तो मैंने इसको ग्रेविटी देनी है, और ग्रेविटी में इसको दे दूंगा बॉटम और साथ में एंड कह दूंगा, तो अपनी जगह पे ये चीज़ ये चला जाएगा. साथ में मैंने इसको जो है वो नेक्स्ट लोगो देना है मैंने, तो उसके लिए फिर मैं ड्रॉबल स्लैश
चले हम मैन्यू एडिट ही दे देते हैं, वैसे हमने देना तो ये नहीं है, लेकिन चले हम यही दे देते हैं, हमने डेमो परपजेस के लिए देना है। तो सबसे पहले मेन चीज़ फिर इसकी एक आईडी भी इसको देनी पड़ेगी, तो मैं आईडी इसको दे दूँगा फैट फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब होगा क्या, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन अगर मेरा ये वाला एक ही फ्रैगमेंट शो एक्टिविटी में उस सूरत में भी, और अगर मुझे जो है वो मेरा दोनों फ्रैगमेंट्स को, आपने देखा यहाँ पे दोनों सूरतों में शो होगा, तो मैं इसके क्लिक के ऊपर या तो यहाँ पे फ्रैगमेंट ऐड कर लूँगा या फिर नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जो है वो चला जाऊँगा। नहीं, एक चीज़ हमने और करनी है, जो मेरी डिटेल एक्टिविटी है इसके अगर लेआउट के ऊपर जाएँ तो इसके लेआउट में कुछ भी नहीं है। तो इन केस अगर मेरा एक ही फ्रैगमेंट शो होगा और मेरी ये वाली एक्टिविटी शो होगी, तो मैंने दूसरा फ्रैगमेंट जो हमारा नहीं था शो हो पाया पहली एक्टिविटी में, उसको यहाँ पे शो करवाना। तो फ्रैगमेंट लेना पड़ेगा, बल्कि इसको मैच पेरेंट कर देंगे, इसको भी मैं सॉरी मैच पेरेंट कर दूँगा। फ्रैगमेंट में सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास आईडी, हम इसको यूज़ करें या ना करें आईडी हमने इसको लाजमी देनी होती है। मैं इसको सिंपल डिटेल फ्रैगमेंट कर दूँगा, उसके बाद फिर मैंने इसको लेआउट देना है, तो वो मेरे पास फ्रैगमेंट डिटेल का हो जाएगा, प्लस मैंने उसको क्लास देनी है, तो वो भी मेरे पास डिटेल फ्रैगमेंट भी हो जाएगी, और मैं इसको क्लास कर दूँगा। तो ये गाइस मेरे पास मेरा डिटेल फ्रैगमेंट आ गया। तो अभी हम अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे और अपना जो रिमेनिंग कोड है वो यहाँ पर कम्प्लीट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करना है, जो मेरी बुलियन वैल्यू है इसको तो मैं सेपरेट करूँगा डिक्लेरेशन में और असाइनमेंट में, और इसको मैं ले जाऊंगा क्लास लेवल के ऊपर। ये मैंने इसलिए किया है कि अगर तो मेरी, मैं चेक कर लूँगा कि मेरा कौन सा लेआउट यूज़ हो रहा है, अगर तो मेरी बुलियन की वैल्यू ट्रू हुई इसका मतलब है कि मैं फ्रैगमेंट साइड बाई साइड यूज़ कर सकता हूँ, और अगर फॉल्स हुई इसका मतलब है मैं साइड बाई साइड यूज़ नहीं कर सकता। तो दूसरे नंबर पर मैंने यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बाहर लेना है, फ्लोटिंग एक्शन बार, और इस फ्लोटिंग एक्शन बार को मैंने ऑन क्लिक लगाना है, और इसके क्लिक लिसनर के ऊपर मैं एक मैथड कॉल कर लूँगा शो का, और वो मैथड भी अभी हम जो है वो जनरेट कर लेते हैं मेन एक्टिविटी में जनरेट करना। ये मैथड मेरा हो, इसमें मैंने सिंपल ये चेक करना है कि अगर तो यूजिंग फ्रैगमेंट ट्रू हुआ उस शर्त में मैं क्या करूँगा, मैंने जो है वो फ्रैगमेंट जो है वो ऐड करना है इसी लेआउट पर रहते हुए, इसी एक्टिविटी पर रहते हुए फ्रैगमेंट ऐड करना है। तो फिर सबसे पहले मैंने डिटेल फ्रैगमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ये चीज़, और उसके बाद आपको पता ही है कोर्स का स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन डॉट ऐड, और इसकी जो कंटेनर की आईडी वो होता है डिटेल फ्रैगमेंट कंटेनर है, क्योंकि इन केस अगर मेरा फ्रैगमेंट मेरा उस सूरत में ऐड होगा, अगर मेरा जो ये वाला लेआउट है मेरा ये वाला लेआउट यूज़ होगा, फ्रैगमेंट उस सूरत में ऐड होगा अगर मेरा ये वाला लेआउट यूज़ होता है, उस सूरत में ये आपको नज़र आ रहा है फ्रेम लेआउट, इसकी आईडी है डिटेल फ्रैगमेंट कंटेनर, तो इस कंटेनर के अंदर मेरा फ्रैगमेंट जो है वो आके शो होता है। तो बैक टू मेन एक्टिविटी, और इसको एट द लास्ट आपको पता हमने कमिट कर देना है। ये तो हो गया मेरा, सो यहाँ पर मैंने फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट पास करना था, ये चीज़। लेकिन इन केस अगर मेरा ये जो यूजिंग फ्रैगमेंट फॉल्स है इसका मतलब है मैं फ्रैगमेंट को यूज़ नहीं कर सकता, उस सर में फिर मुझे इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और जिस क्लास से हम जाएंगे डिटेल एक्टिविटी के ऊपर एक्टिविटी हम जो है वो लॉन्च कर लेंगे। तो एक दफ़ा रिव्यू करते हैं क्या किया मैंने, मैंने बेसिकली एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट की है डिटेल एक्टिविटी, और एक न्यू फ्रैगमेंट क्रिएट किया डिटेल फ्रैगमेंट। अब ये जो डिटेल फ्रैगमेंट है ये दो काम कर रहा है, अगर तो मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर फ्रैगमेंट साइड बाय साइड यूज़ कर रहा हूँ तो सूरत में मैं डिटेल फ्रैगमेंट को जो मेरा सेकंड फ्रैगमेंट है उसके तौर पे ऊपर ऐड करवाऊंगा, लेकिन अगर मैं मेन एक्टिविटी में फ्रैगमेंट को साइड बाय साइड यूज़ नहीं कर सकता जिसका डिसीजन हम रन टाइम के ऊपर ले रहे हैं, उस सूरत में जो मेरी डिटेल एक्टिविटी है वो शो हो जाएगी, और डिटेल एक्टिविटी का लेआउट इटसेल्फ डिटेल फ्रैगमेंट ही होगा। एक चीज़ आपने नोट किया कि हमने बेसिकली शो डिटेल फ्रैगमेंट ही करवाना है, अभी आपको फ्रैगमेंट की रीयूजेबिलिटी का भी आइडिया हो रहा होगा कि दोनों सूरतों में मुझे बार बार लेआउट क्रिएट करने भी नहीं पड़ रहे, मेरा एक ही लेआउट है उसी के अंदर मैं सारे, अभी तो हम सिंपल डेमो कर रहे हैं, जब आप प्रोडक्शन में करते हैं तो डिटेल फ्रैगमेंट में सपोज कर लें आपने पूरे का पूरा कह लें कि एक लिस्ट है हमारे पास, उसके किसी आइटम के ऊपर क्लिक किया उसकी डिटेल शो होगी, तो वो सारा कोड आपने एक ही दफ़ा लिखा, वो यही फ्रैगमेंट आप मेन डिटेल एक्टिविटी में भी यूज़ कर सकते हैं, और मेन एक्टिविटी में एज अ सेकंड फ्रैगमेंट भी हम जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ ये की है कि मेरा जो मेन एक्टिविटी का लेआउट था जो कि इट्सेल्फ एक फ्रैगमेंट को कंटेन किए हुए था,
ये वाला फ्रैगमेंट मेन, तो इस फ्रैगमेंट मेन के मैंने लेआउट को रूट रूट जो इसका लेआउट था उसको मैंने कोऑर्डिनेटर लेआउट में चेंज करके इसमें इसके ऊपर मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन लगा दिया। फिर इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के क्लिक के ऊपर जो है वो मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लोटिंग एक्शन बटन की क्लिक के ऊपर मैं शो मैथड कॉल कर रहा हूँ। उस शो मैथड के अंदर मैंने रन टाइम के ऊपर देखा कि अगर तो मेरा यूजिंग फ्रैगमेंट ट्रू है, मतलब मैं फ्रैगमेंट को साइड बाई साइड यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने डिटेल फ्रैगमेंट को ऐड करवा दिया फ्रैगमेंट कंटेनर में। और एल्स मैंने क्या किया कि मैंने इंटेंट क्रिएट करके एक्टिविटी स्टार्ट कर लिया। तो इसको गाइस एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मेरी दो वर्चुअल डिवाइसेस रन हो रही हैं, दोनों के ऊपर मैं इसको रन करूँगा, एक स्मार्टफोन और एक मेरे पास टैबलेट है। स्मार्टफोन के ऊपर मेरी एप्लीकेशन रन होगी। अभी आप देखा कि चूँकि मेरी अभी आप देख रहे हैं कि मैं यूजिंग फ्रैगमेंट्स फॉल्स है, ये इसलिए क्योंकि मेरी जो डिवाइस की विड्थ है वो 620 से कम है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो मेरे पास मेरा टैबलेट है नेक्सस 9, इसके ऊपर जो है वो यूजिंग फ्रैगमेंट्स ट्रू है। इसके ऊपर जब मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपने देखा कि डिटेल फ्रैगमेंट एज अ एक्स्ट्रा फ्रैगमेंट यहाँ पे ऐड हो गया। लेकिन अगर मैं मोबाइल डिवाइस के ऊपर आऊँ और यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये आपने देखा कि डिटेल फ्रैगमेंट एक सेपरेट एक्टिविटी के ऊपर मुझे शो हुआ। मैं बैक करूँगा तो मैं मेन अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन मोबाइल की जब मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, अब आपने देखा कि इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो चुकी है और मैं फ्रैगमेंट साइड बाय साइड यूज़ कर सकता हूँ। इस सूरत में जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वही डिटेल फ्रैगमेंट मुझे मेरी एज अ एक्स्ट्रा फ्रैगमेंट शो हो रहा है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से जो पिछली दो तीन वीडियो में हमने काम किया कि पहले हमने देखा कि जावा के थ्रू या फिर रिसोर्स सिलेक्टर को यूज़ करते हुए, दोनों सूरत में हम काम एक ही कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू करवाऊँ पिछले तीन चार लेक्चर्स को, तो हमारा बेसिकली बिंग एंड्रॉयड डेवलपर हमारे इस चीज़ के ऊपर फोकस होता है कि हमारी जो डिवाइस स्क्रीन है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। अब देखिए हमारी इस डिवाइस की स्क्रीन बड़ी है, इस सूरत में अगर मेरी एप्लीकेशन ये फ्रैगमेंट्स यूज़ ना करे तो पूरी एक्टिविटी के ऊपर सिर्फ ये वाला पोर्शन यूज़ होगा, ये सारा पोर्शन खाली है और मैं बार बार न्यू एक्टिविटी और प्रीवियस एक्टिविटी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं फ्रैगमेंट्स को यूज़ करके कितनी ईजिली मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो हम रन टाइम के ऊपर जावा का कोड यूज़ करते हुए भी हमने देखा और रिसोर्स सिलेक्टर को भी यूज़ करते हुए देखा कि किस तरीके से हमने डिवाइस की स्क्रीन का साइज़ मेजर करना है। जब हमारे पास डिवाइस का स्क्रीन का साइज़ आ जाता है इन डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल डीपीज में, तो उसकी बेस पे फिर हम रन टाइम के ऊपर बड़े इजीली हमने डिसीजन ले लिया कि हमने एक फ्रैगमेंट शो करवाना है या दो फ्रैगमेंट साइड बाय साइड जो है वो शो करवाने हैं। तो सो गाइस आई होप सो कि ये जो टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा क्लियर हो चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो फील फ्री टू पोस्ट इन द कमेंट्स और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो फ्रैगमेंट के और एक्टिविटी के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर जो है वो हम जाएंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर इट एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।